कृष्ण मनाओ तेग बहादुर परम वाहिगुरु परम श्री गुरु गोविंद सिंह परो तरा पर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीसा कंकर सतगुरु ते प्रसाद सच हो वाहे गुरु जे के फतेह बेदन बिनासन सोए जिस मह अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों करे अनुराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों करे अनुराग सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ दोहरा सर्ब शिरोमण खालसा रचियो पंथ सुखदाई इक बिन गंदु तुम ते जग में अधिक सुहाई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह तू सुल्तान कहा हो मियां तेरी कवन बढ़ाई जो तू देहे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई तेरे गुण गावां देह बुझाई जैसे सच में रहूं रजाई दसां पातशाहियां दी आत्मक जाग दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पवित्र पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ संध्या समय दे सजे हुए दीवाना च नेता प्रति एकत्र होके सतगुरां दे पावन पवित्र इतिहास की लड़ीवार कथा बड़े प्यार सत्कार श्रद्धा सहित आप जी सरवण कर रहे हो श्री गुरु प्रताप सूरज प्रकाश ग्रंथ दे मंगलां दी कथा आप जी सरवण कर रहे हो दस पातशाहियां दे मंगल सरवण कीते हन कलगीधर और कलगीधर दे पंथ खालसे पंथ दी महिमा सरवण कीती है कि शेर रूप खालसे दे अगे पठान पाड़े वांगू हन और सूबे जेड़े सन उस वेले दे उस सहे वांगू दबकदे हन और काबली अफगान हिरना वांगू अगे ठहर नहीं सकदे पहाड़ी राजे रोजा वांगू अगे दौड़े फिरदे ते नवाब जेड़े मलेच्छां वांगू चंखारां वांगू डरदे हन और जेड़े बलोचिस्तान दे बलोच ओ सूरां वांगू पुजाड़ी ही नहीं सकदे महाकवि भाई संतोख सिंह जी कहिंदे खालसा रूपी शेर इहो जिहा बली है कि जेड़े मुगलां रूपी हाथी सन उहनां नूं मार के खूब गजदा है ऐसे खालसे पंथ नूं मेरी प्रणाम ते नमस्कार है ए मंगल खालसे पंथ दी उपमा दे पिछे आप जी ने सुने ने आओ मन बिरतियां एकाग्र करके सतगुरां दी कल्याणकारी कथा सरवण करिए श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ लिखण दी भूमिका एदा मुढ किवें बज्जा इस ग्रंथ नूं लिखण दा
पहला कुछ ऊपर संग मां कवि जी लिख रहे ने, सरवण करिए गुरु चरणा च हाजरी लवाओ आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी दोहरा सर्ब शिरोमण खालसा रचियो पंथ सुखदाई। सतगुरु जी ने जेड़ा ये खालसा पंथ सारिया तो श्रोमणी सुख देन वाला रचिया, दुनिया दे जिन्ने पंथ ने उना सारे पंथा चो सब तो श्रोमणी पंथ खालसा पंथ है। कलगीधर जी दे बचन ने दहूं पंथ मैं कपट विद्या चलानी बहुर तीसरा पंथ कीजा प्रधानी। उन हिंदू तुरकन ते न्यारा रचियो खालसा पंथ करारा महा तेग सी दंगे बाज लड़न मरण ते करे ना लाज। एहो जा खालसा दुनिया दे जिन्ने पंथ ने उना सारे पंथा चो श्रोमणी पंथ है खालसा पंथ। और सतगुरु जी ने ए पंथ सुख देन वास्ते रचिया, संसार दे जीवानू सुख देन वास्ते इस खालसे पंथ दी रचना कीती है। ए हर पक्ष तो श्रोमणी है पर इत्थे एक पक्ष जो सब तो श्रोमणी बनांदा खालसे पंथ नू ओ ए भी है। सुनो जी, एक बिन गंदो तूमते जग में अदित सुहाई। गंदा धुआं यानी कि तंबाकू ते जगत झूठ दा जेड़ा धुआं वरतदे आ लोक, बहुत सारे मत बहुत सारे पंथ इस धुए ने तंबाकू दे धुए ने ग्रस ले। ए हिंदुस्तान दी बूटी नहीं सी तंबाकू जगत झूठ, ए बाहरों लियांदी गई हिंदुस्तान विच। बड़े हिंदू बहुत सारे मुसलमान एदी गिरफ्त विच आ गए पर खालसे पंथ नूं महाराज सच्चे पातशाह ने एदे तों वखरा रखिया है। ए खालसे पंथ दी सर्वश्रेष्ठता ते श्रोमणीपन है। इस गंदे धुएं तों बिना महाराज जी दा खालसा पंथ सारे जगत विच अदक शोभनीक हो रहा है। चार बजर कुरैतां खालसे नूं दसियां जांदियां, उना चार बजर करैतां चो एक बजर करैत है जगत झूठ दा सेवन करना, जगत झूठ दी वरतों करनी। कलगीधर स्वामी सच्चे पातशाह घोड़े ते सवार होके जांदे, महाराज जी दा घोड़ा रुक गया, पुछया भी अगे की, कहंदे तंबाकू दा खेत है। महाराज जी दा घोड़ा उस खेत चो नहीं सी लंघिया। अपने नेड़े आ बारन पिंड है, इथों दे महान शहीद जिन्हां पुठी खल लवाई बाबा जय सिंह जी होए खल कट। सूबा सरहंद कहिंदा सी भी तंबाकू वाला हुक्का चुकना ते तंबाकू वाली पंड चुकनी, पर धन गुरु के लाल ने इनकार कर दिता भी मैं नहीं ये कर सकदा। पुठा लटका के दरख्त दे नाल खल ला दित्ती गई, पर उस पापी की जड़ी जगत झूठ वाले तमुके तंबाकू वाली पंड सी जां हुक्का सी वह बाबा जय सिंह होना ने नहीं चुकया। यह गंदा धुआं जड़ा है अजकल तो हुण सारे पासे दा प्रचार भी इदा करदे भी यह कैंसर वर्गियां भयानक बीमारियां नूं जन्म दिंदा। कलगीधर पातशाह जी महाराज जी ने अपने पंथ नूं पहलां ही इहदे तों निराला रखिया वखरा रखिया। कहिंदे तनक तंबाकू सेविया देव पितर छड जाए, पानी तिसके हाथ का मदरा संभवै जाए। जेड़ा थोड़ा जिन्ना भी तंबाकू का सेवन करदा है तंबाकू का सेवन करन वाले दे पितरां नूं देव पितरां नूं धक्के मार के बाहर कढ दिता जांदा भी तेरी कुल दे विच तंबाकू का सेवन हो रहा। और तंबाकू खाण वाले बंदे दे हाथ का पानी पीना वो पानी नहीं है शराब पीण दे तुल है। उहदे हाथ का पानी शराब बन जाता है जिहड़ा तंबाकू का सेवन करता है। खालसा पंथ श्रोमणी है। एक बिन गंदे धूम ते जग मैं अदक सुहाए। ये गंदे धुएं तो बिना
सारे जगत दे विच सोभ नीक हुंदा सारियां विच प्रकाश दा है। सोरठा श्री सतगुर कूप जगै जोत जा हर जगत। खालसा जी खालसा पंथ सतगुरां दा ही स्वरूप है। ये खालसा पंथ गुरु पातशाह दा ही रूप है। श्री सतगुरु को रूप महाराज कलगीधर ने सर्वलोक प्रकाश ग्रंथ विच बचन लिखे ने। सचखंड श्री हजूर साहब की धरती ते बैठ के खालसा मेरे रूप है खास, खालसे मैं हो करो निवास, खालसा मेरा सतगुर पूरा, खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो जान की जान, खालसा मेरो पिंड प्राण। ये खालसे की सतगुरां ने वडियाई की है कलगीधर जी ने। महाराज जी कहिंदे खालसा मेरा ही रूप है। खालसे विच ते कलगीधर विच कोई फर्क नहीं रहा। जदों चमकौर की गढ़ी विच पंज सिंघां नूं महाराज जी ने तिलक दिता है, पंज सिंघां दी परिक्रमा करके अपनी जगह ते कलगी उन्हां दे सीस ते सजाई, उदों वचन कीता खालसा मोह मैं खालसे मैं। जदों तख्त श्री केसगढ़ साहब की धरती ते पंजां नूं खंडे की पौल छका के फिर आप उन्हां पंजां कोलों खंडे की पौल छकी, उदों महाराज जी ने भेद खत्म कर दिता खालसे च और अपने विच। तो श्री सतगुरु को रूप सतगुरां दा ही रूप है खालसा, और ये सतगुरां दी जाहर जोत है जेड़ी सारे जगत दे विच जग रही है। पुंज सो पंथे अनूप कर बंधन रच बे लगत। अनूप पंथ जेदी उपमा नहीं कीती जा सकती। खालसे पंथ दी उपमा देनी होवे ते केदी देईए। महाराज जी दे पंथ वर्गा दुनिया च कोई पंथ है ही नहीं। खालसा जी माण होना चाहिदा सानू, असी कलगीधर पातशाह जी महाराज जी दे पंथ दे विच हां। कलगीधर पातशाह दे इस पंथ वर्गा दुनिया च कोई पंथ नहीं है। सत श्री अकाल। ऐसे खालसे पंथ नू वंदना करके मैं श्री गुर प्रताप सूरज प्रकाश ग्रंथ महाकवि कविराज जी कहिंदे प्रारंभ करदा हां, लिखदा हां। दोहरा श्री गुरु नानक सो मिलियो बालक रूप सुजान। खालसा जी इथों तक चले ने मंगल, हुण इथों अगे कथा आरंभ होण लगी। कथा आरंभ होण लगी है कि श्री सूरज ग्रंथ जिहड़ा है ये लिखण दा इहदा मुढ किवें बज्जा, सोर्स कित्थों लए महाकवि जी ने जिथों यह कथा लिखी, वह लिखण लगे ने। बाबा बुढ़ा साहब जी का जिक्र आ रहा है। ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा बुढ़ा साहब जदों बाल रूप विच महाराज गुरु नानक साहब नूं मिले, पिछे तुसीं कथा सुनी है नानक प्रकाश विच, ते उस वक्त जदों बाबा बुढ़ा साहब सतगुरु गुरु नानक साहब नूं मिले, कृपा पाई तत्काल ही प्राप्त पा ब्रह्म ज्ञान। सतगुरु गुरु नानक साहब जी दी तत्काल उसे वेले कृपा प्राप्त करके बाबा बुढ़ा साहब जी ब्रह्म ज्ञान नूं प्राप्त हो गए सन। उसे वक्त ही जदों मिले महाराज जी दे दर्शन कीते, करो मखण दा कुजा भर के लियाए, सतगुरां नूं भेट कीता। दर्शन करदिआं महाराज जी ने इहो जिहा तरस कीता गुरु नानक साहब ने कि धन ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी तत्काल उसे वेले ही ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था नूं प्राप्त हो गए। जो पई जिसकी बातें सुन बुद्धवारी। जदों गुरु नानक साहब जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी नाल वार्तालाप कीती, बाबा बुढ़ा साहब जी दियां बुद्धि वालियां सियाणियां गल्लां महाराज जी ने सुनियां। श्री जग गुर इम गिरा उचारी। जगत गुरु गुरु नानक साहब जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी दियां गल्लां सुन के ए वचन कहे सन, बालक तेरी बैस दिसावत। बेटा तेरी उम्र तां बच्चियां वाली नजर आउंदी है,
उम्र बालकां वाली दिसदी है बुढ़ी सम मुख वाकी अलावत गल्ला वाक बचन बुढ़िया वर्गे करदा सियाणिया वर्गे करदा ए बचन महाराज गुरु नानक साहब ने बाबा बुढ़ा साहब नू कहे सन कितने मैं तिसको पित माता मैनू बाबा बुढ़ा साहब जी दे माता पिता जी ओ लभदे लभदे भाई सुगा जी होनी आ गए आई गए खोजत निज ताता अपने पुत्र नू लभदियां लभदियां जदों ओ आए करतारपुर साहब महाराज जी दे कोल पहुंचे कहत पाई हमरो सुतियावा करीबन बाज साहब सच्चे पातशाह नू आके पुछिया महाराज जी साडा पुत्र ता नहीं आया इत्थे असी ओदी भाल करदे हां इस देखन को मन ललचावा बिना दस्या घरों आ गया ते असी ओनू लभ रहे हां भाल रहे हां ते किते लभदा नहीं पिया सिखन कयो सो अंतर बैसा सिखां ने दस्या जी ओ अंदर बैठे हन जेड़े बालक दी तुसी भाल करदे हो जाए निहारे अत ब्रिद जैसा जाके वेख्या भी बालक दे शरीर दे चेन बिरदा वाले हो गए ने शरीर दे जड़े चेन ने ओ जिवें बिरदा दे हुंदे आ एदां दे हो गए ने बिस्मरियो कछ कयो न जाई जाके दोवें हैरान हो गए पर कुछ कह नहीं सके चहत लिजायो संग न जाई ए कहन लगे चल बूढ़िया घर चलिए अगो बाबा बुढ़ा साहब कहन लगे भी तुसी जाओ मैनू ता सतगुरां दे चरणा दी मौज मिल गई है मैं नहीं जे जाना महाराज जी दे चरण छड़ के पुन दंपत ने एव विचारा बाबा बुढ़ा साहब दे माता पिता जो जी ने दोना ने विचार कीती जरा द्रस्यो तन एसो कुमारा क्या भी चंगा भला कुमार बालक सी ते शरीर दे चेहरे दे बिरदा वाले नजर आ रहे ने अब क्या कारज आए हमारे दे रहन दे इनू इत्थे होने ने साडे काम भी केड़े होना सर्ब रीत ते सिथल्यो पारे सर्ब रीतियां नाले ता बिरदा वांगू ही नजर आ रहे है कै बोरे न चाली संग उन्हां ने बथेरा जोर लाया भी अपने वल्लों लजाण वास्ते पर बाबा बुढ़ा साहब जी नहीं गए रहन दियो ए पाबृद अंग कह लगे चलो फिर रहन दियो इनू हुणे दे शरीर दे अंग भी बिरदा वाले हो गए ने ऐसी कह कर गमने ताम ऐसा कह के दोनों ही माता पिता वापस अपने नगर नू चले गए तब कह बुढ़ा प्रगटियो नाम उस दिन तो बाद भाई बूढ़े दा नाम बाबा बुढ़ा करके संसार विच प्रगट हो गया गुर घर में अजमत युत पारा धन बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु घर विच अजमता विच वड्डे महापुरुष होए जिन्हां च बेअंत अजमतां करामातां कलावां सन बाबा बुढ़ा साहब जी दे अंदर बेअंत अजमतां दे धारनी महापुरश बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु घर विच होए ने बोहित सम जग तारण हारा इंज कह लो भी जहाज वांगू हो गए बाबा बुढ़ा साहब ते जिन्हां जिन्हां ने इस जहाज दा संग कीता उन्हां नू इस संसार तो बाबा बुढ़ा साहब जी ने तार दिता बाबा बुढ़ा साहब आप भी जहाज बन गए जेड़े उना दे संगी होए ओ भी तर गए अजर जरन में तीर महाना अजर नू जर लैण दे विच महान तीर जी सन बाबा बुढ़ा साहब अजर नू जर लैण दी महान शक्ति दे मालक सन अपर न जाके पयो समाना अजर नू जर लैण वाले महान गुरसिख बाबा बुढ़ा साहब जी दे समान कोई दूसरा सिख नजर नहीं आउंदा श्री नानक तेरे हो पिछारी जदों गुरु नानक साहब सचखंड चले गए महाराज जी दे सचखंड जान तो बाद बाबा बुढ़ा साहब जी रहे श्री अंगद के चरण मझारी धन गुरु अंगद देव साहब जी दे चरणा विच तकरीबन 12 साल तो बधेरा समा
बाबा बुढ़ा साहब जी ने सेवा टहल की, पुन श्री अमरदास की सेवा। तकरीबन 22 साल तो लमेरा समा गुरु अमरदास साहब की सेवा विच रहे। संगी रामदास गुरदेवा। चौथे पातशाह सोडी सुल्तान सतगुरु गुरु रामदास साहब जी की संगत की, पुन श्री अर्जन के टिग रहे हो। फिर पंजवे पातशाह जगत नाथ गुरु अर्जन देव साहब की सेवा टहल विच भी रहे। पाई पद को तब ते ले हो। जदो सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे महाराज जी ने पहला प्रकाश किया गुरु ग्रंथ साहब जी का, ता उस वक्त बाबा बुढ़ा साहब जी नू महाराज जी ने भाई पदवी दे के नवाजिया। उस तो पंजवे पातशाह दे समय भाई पदवी नू प्राप्त होए। जिनको बचन अटल जग पए हो। महापुरुष बाबा बुढ़ा साहब जिन्हां दे बचन इस जगत विच अटल होए ने, जेड़ा बचन कह दिता वह अटल होया। पातशाह ने भी कदे महाराज जी का बाबा बुढ़ा साहब जी का बचन नहीं मोड़िया, जेड़ा बचन कीता वो अटल होया। श्री गुर हर गोबिंद जन्मियो। बाबा बुढ़ा साहब दे बचना नू बूर लगा। छेवे पातशाह जी दे बाबत बचन कीता सी ना माता नू, माता जी माता तुम्हें ग्रह प्रगटेगा योगा। बाबा बुढ़ा साहब दे बचन फली भूत होए। माता गंगा जी दे उधर तो मेरिया पीरिया दे मालक दल भंजन गुर सूरमा सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश होया। पातशाह खष्टन लो दे। मैं पातशाह नू विद्या पढ़ाई, घोड़ सवारी सिखाई, नेजेबाजी पलथेबाजी ए सारी विद्या बाबा बुढ़ा साहब जी ने सिखाई। और छेवे पातशाह तक बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु नानक साहब तो लैके गुरु घर की सेवा करते रहे, गुरियाई का तिलक भी देंदे रहे। जीवत रहो ज्ञान कहोगे हो। और ज्ञान का घर सन बाबा बुढ़ा साहब जी, ब्रह्म ज्ञान का घर सन। अनक नरन को कीन उधारा। जेड़े जेड़े संगी बाबा बुढ़ा साहब जी की संगत करते रहे, एक नहीं अनेकां का उधार किया बाबा बुढ़ा साहब ने। अनेक जीवां नू संसार तो तारिया। सत नाम उपदेश उदारा। परमेश्वर दे सच्चे नाम दा ही उपदेश देंदे बाबा बुढ़ा साहब। जेड़ा कोई माई भाई आउंदा उहनू नाम जपण दा हुक्म करदे कि वाहेगुरु गुरमंत्र दा जाप जपना है। श्री गुरु नानक सब ते आदि। सब तो पहला धन गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी महाराज। पाछे जो टिके गुरगादी। उन्हां तो बाद जेड़े जेड़े गुरु साहिबान छेवे पातशाह तक गुरगद्दी ते रहे। सब इनको बुढ़ा निज हाथ। दूसरे पातशाह तो लैके छेवे पातशाह तक सतगुरां नू बाबा बुढ़ा साहब जी ने अपने हथी। जीतो रहो तिलक शुभ मात। आई दा तिलक महाराज जी दे शुभ मस्तक दे उत्ते बाबा बुढ़ा साहब जी अपने हथी देंदे रहे। गुरियाई दा तिलक देण दा जेड़ा मान ते सन्मान सी ओ ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी नू प्राप्त होया। पीछे संतत तिस ही रीत। उन्हां तो बाद बाबा बुढ़ा साहब जदों छेवें पातशाह दे समय सचखंड गए, उन्हां दी अगों जेड़ी संतान सी बाबा बुढ़ा साहब जी दी, सतवें अठवें नौवें ते दसवें पातशाह जी महाराज जी नू गुरियाई दा तिलक फिर बाबा बुढ़ा साहब जी दी संतान देंदी रही। सतगुर सात रहत पे नीत। बाबा बुढ़ा साहब जी दी जेड़ी वंश सी ओ भी सतगुरां दी संगत विच महाराज जी दी सेवा विच रही। तीन काल के ज्ञातावान। बाबा बुढ़ा साहब ते अगों उन्हां दी जेड़ी संतान है तिन्ने कालां दे ज्ञातावान होए। बाबा बुढ़ा साहब दे पुत्र अगे बाबा भाना जी सन, अगे बंसावली आवेगी ओ भी अपने पिता जी वांगू ही आत्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष होए। अगो जेड़े बाबा झंडा जी, बाबा सरबण जी, जलाल जी, भाई राम कुर जी वर्गे ब्रह्म ज्ञानी ओ सब आत्म ज्ञानी महापुरुष त्रिकाल दर्शी होए हन। प्रगटो होत पे सगल जहान। सारे जगत विच बाबा बुढ़ा साहब दी अंश वंश प्रगट होई। सतगुर को श्री मत बर सागर। कह लो के सतगुरु गुरु नानक साहब जी का जेड़ा सिद्धांत है ओ श्रेष्ठ समुन्दर है। महाराज गुरु नानक साहब का जेड़ा मत है
ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਾਗਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਇਨ ਕੁੱਲ ਉਪਜੇ ਰਤਨ ਉਜਾਗਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਹੈ ਉਸ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ। ਦਰਸ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਸਮ ਪਈਅਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਰਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਡ ਲੋ ਬੁੱਧ ਹੇਮ ਬਨੋਇਤ। ਮੂਰਖ ਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਪਾਰਸ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਲੋ, ਮੂਰਖ ਲੋਹੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਵਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ ਕੋ ਅਦਬ ਰਾਖ ਗੁਰੇ ਆਪੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਖੁਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਸਮਤਾ ਕਿਸ ਕੀ ਜਾਪੋ। ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਖੁਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖ਼ਤ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਖੁਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਗਿਆਨ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਕੇ ਮੀਨ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਜਾਮ ਰਹਿਤ ਸਮ ਲੀਨ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਨਿਤ ਸੇਵਾ ਠਾਨਤ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਪਰ ਮਨੋਰਥ ਮਨ ਨੇ ਆਨਤ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਤ੍ਰਿਣ ਚਿਤ ਕੀ ਬੋ ਰਹਿ ਰਖਵਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਾਹ ਕਿਣਕਾਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਖੇਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਭੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਕਤ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਅਸ ਪਾਈ ਬੁੱਢਾ ਗੁਰਦਾਸ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਕਵਤਾਸ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸਤ ਬਾਤ ਬਰ ਸ਼ਰਾਪ ਜੋ ਦੀਨਸ। ਕਿਹਾ ਹਰ ਵਾਕ ਸੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕਰਦੇ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਨਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਆ ਕੇ ਲੜਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਲੂ ਪੈਸੇ, ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਾਜੀਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਮਰੋ ਗੁਰਦਮਾਦ ਬਣ ਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਕਥਾ ਅਗਾਰੀ ਵਰਨੋ। ਮਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਨ ਕੋ ਆਚਰਨੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਚਰਣ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸ਼ਕਤ ਬਿਸਾਲਾ। ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜਿਮ ਚਾਹਸ ਤਿਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਜਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਪਾਤ ਕੇ ਬਿਘਨੋ ਪਾਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਘਨ ਆਏ। ਨੈ ਜਿਨ ਕੀ ਨਸ ਕਬੋਂ ਲਖਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਬਿਘਨ ਲਖਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ,
प्रगट नहीं किते हन। धरनी सम जै धीरज तारी, खालसा जी जिवें धरती विच धीरज है ना, धरती विच सब तो वध धीरज है, धरती दे समान बाबा बुढ़ा साहब जी धीरज रखण वाले ने। कौन पीर ते टरे न टारी, हवा जिहड़ी पीड़ा रूपी दुखा रूपी तकलीफा रूपी हवा चलण वाली है ना जिहड़ी, उहदे नाल धरती थोड़ी उड़दी हुंदी है। बड़े तकलीफ दुखां दा सामना भी बाबा बुढ़ा साहब नूं करना पिया, पर उस हवा दी पीड़ा दी हवा नालों अपनी जगह तो पास तो मास नहीं हुए। तिसको बंस सुताल मनिंद, कह लो भी बाबा बुढ़ा साहब जी का जेड़ा वंश है वो एक सुंदर तालाब है। उपजियो राम कोइर अरबिंद, उस ताल विच ब्रह्म ज्ञानी भाई राम कोइर साहब जी कमल दे फुल वांगू खिड़े ने। बाबा बुढ़ा साहब का वंश ऐदा कह लो भी जिवें कोई तालाब होवे सरोवर होवे, उहदे विच भाई राम कोइर साहब ब्रह्म ज्ञानी ओ इउं उपजे ने जिवें कोई कमल दा फुल पैदा होया होवे। दसवें पातशाह बरबीर, दसम पिता गुरु कलगीधर पातशाह जो श्रेष्ठ वीर योधे हन। तीनों पाद पंकज के तीर, भाई राम कोइर साहब जी ने कलगीधर जी दे चरणा दी सेवा कीती आ, उहनां दी सेवा विच रहे ने। मधुप मनिंद अनद मकरंद, जिवें कमल दे फुल ते भौरा रहिंदा ते मकरंद दा रस माणदा ना, एदा भाई राम कोइर साहब कलगीधर दे चरणा नाल जुड़ के रहे। तजियो न पास मुकंद बिलंद, सतगुरां दे चरणा दा त्याग नहीं कीता ब्रह्म ज्ञानी भाई राम कोइर साहब जी ने। श्री गुरु तेग बहादुर पाछे, धन गुरु तेग बहादुर साहब तिलक ते जंजू दी राखी वास्ते दिल्ली दे चांदनी चौक विच शहादत दा जाम प्राप्त कर गए। दीनस तिलक दसम गुर आचे, दसम पिता कलगीधर स्वामी जी गुरगद्दी ते बैठे उस वक्त महाराज कलगीधर जी दे मस्तक दे उत्ते गुरियाई दा तिलक देण वाले ब्रह्म ज्ञानी भाई राम कोइर साहब जी सन। बाबा बुढ़ा साहब जी दी वंश विचों कलगी जिगा जराउन जरी, सोहणी कलगी जगा जड़ी जड़ाऊआ नाल जड़ी हुई सी। इन ते ले सत गुर सिर धरी, ओ भाई राम कोइर साहब कोलो लै के महाराज कलगीधर जी ने अपने शीश ते धारण कीती सी। आयुध दए आद शमशेर, छेवें पातशाह दे वेले बाबा बुढ़ा साहब जी ने श्री साहब जगा ते कलगी भेट करन दी मर्यादा चलाई सी। उस तो बाद गुरु साहबान जदों गुरगद्दी ते बैंदे तां बाबा बुढ़ा साहब जी दी वंश विलों सब तो पहली दस्तार जगा कलगी और श्री साहब जिहड़ी सी ओह भेटा कीती जांदी सी। कलगीधर जी नूं भी श्री साहब बाबा राम कोइर साहब जी ने भेट कीती। लेकर तारे गुर शमशेर, शमशेर श्री साहब बाबा बुढ़ा साहब जी दी वंश भाई राम कोइर साहब पासों लै के कलगीधर जी ने गात्रे धारण कीती ते शमशेर हो गए। दस पातशाहन के नित संगी, एदा बाबा बुढ़ा साहब जी दी वंश दस पातशाहियां दे संगी रहे। सतगुर कृत को चित चह चंगी, जिन्हां नूं गुरु साहब दी सेवा ही चंगी लगदी सी, मन नूं केवल गुरु पातशाह दी सेवा ही भौंदी सी। जग मैं बहु सिखी विस्तारी, जगत विच बाबा बुढ़ा साहब जी दी वंश ने सिखी दा बहुत विस्तार कीता। अनेक नरन को की उधारी, अनेका नरा जीवा दा उधार कीता। जथा चक्र वै अदपत आगे, कोई चक्रवर्ती राजा हुंदा ना बादशाह हुंदा अदपति, हां जी मंत्री रहे सुमत में लागे, चक्रवर्ती राजा दे जड़े मंत्री हुंदे अगे ओ सुमत विच लगे रहिंदे काम कार करन वास्ते। तिम सत गुर करके ए पए, एदा बाबा बुढ़ा साहब ते उहनां दी अंश वंश सतगुरां दे घर दे वजीर होए ने। वजीर बाबा बुढ़ा साहब जी वजीर ने महाराज जी दे भाई राम कोइर साहब, जिवें किसे चक्रवर्ती बादशाह दे अगे वजीर हुंदे ना कम कार करदे,
ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਵੰਸ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤਿ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਦਏ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ ਵਿਸਾਲੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਸਤਿਗੁਣ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼। ਸਤਿਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ। ਪੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੋ ਇਨ ਮਗ ਚਾਲੇ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਵੰਸ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਗਈ ਧਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ। ਗਮਨ ਕੀਨ ਜਬ ਸੱਚ ਖੰਡ ਮਾਓ, ਜਦੋਂ ਅਵਚਲ ਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਉਤਪਤ ਕਰਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਤਪੰਨ ਕਰਕੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਤੇਜ ਕੋ ਛਤਰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇਜ ਦਾ ਛਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਦ੍ਰਿੜ ਤਰੂ ਉਖਾਰਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰਤਪਾਰ, ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਕਹੋ ਅਬ ਕੀ, ਨਾ ਕਹੋ ਤਬ ਕੀ, ਬਾਤ ਕਹੂ ਮੈਂ ਜਬ ਕੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੁਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਤਬ ਰਹੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ਚ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਰੋਜ਼, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਇੱਧਰ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ ਰਮਦਾਸ। ਉਥੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਮਦਾਸ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਲਹੇ, ਰਮਦਾਸ ਕੇ ਨਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਮਦਾਸ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ। ਤਹਾਂ ਬਿਰਾਜਿਤ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ, ਧਰ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਰਾਜਦਿਆਂ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਕੀਤਕ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨੋਂ ਟਿਗੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗੀ ਸੀ। ਵਿਰਾਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਸਨ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਕਦਮ ਅਨਾਥ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਚ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਉਹ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੋ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਦ ਕੋ ਧਿਆਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਕਥਾ ਗੁਰਨ ਕੀ ਸੁਣ ਬੇ ਚਾਹਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੁਣ ਕੋ ਰਿਦਾ ਉਮਾਹਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪਾਸ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਲਈ ਸੀ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਸਭ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਨਸੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰਨ ਕੇ ਜੇਤੇ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਨ, ਕਰੁਣਾ ਕਰੋ ਉਚਾਰੋ ਤੇਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੋ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਬੇ ਚਾਹਤ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣ ਕੋ ਮਹਾ ਉਮਾਹਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਤੇ ਸੁਦਾ ਸਮਾਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਡਲ ਦੇ ਰੂਪੀ ਚੰਦਰਮਾ ਰੂਪੀ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਕਥਾ ਝਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਪੀਵੇ ਪੁੱਟਕਾਨਾ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਡੋਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕਥਾ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀਵਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੋਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਣਾਈ ਕਥਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਮਹਾਂਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਲ ਬਦਨ ਮਕਰੰਦ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਮਲ ਜੈਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਮਕਰੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰਾਗ, ਇਹ ਪਰਾਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਦਪ ਸਿੰਘ ਅਭਿਲਾਖਤ ਮਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੰਘ ਭੌਰੇ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਕਥਾ ਦੇ ਭਵਰੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਵਰੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਭਵਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਸ ਮਾਣਨਗੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੋਣ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ, ਕਹਿਓ ਚੈਤ ਗੁਰ ਗਨ ਸੁਖ ਪਾਉਣ, ਮਨ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹੀਏ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਚ ਸੰਕਲਪ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਸਾਰੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਮਾਂ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਕੈਂਥਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਰੋਜ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਰੋਤੇ, ਉਹ ਮਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਮਿਲ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਿਕਟੇ ਉਚਾਰੇ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਕੀ ਪੂਰਬ ਕਥਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ,
भी एदा करो भी भाई राम कुहर साहब जी दी जो कथा है हमें सुनावो होई जथा सानू भाई राम कुहर जी बारे जानकारी दियो उना दी कथा सुनाओ उस तो बाद फिर अग्गी आप जी कथा जो गुरु अंगद साहब दी आरंभ करनी हो फिर करियो कि जेड़े महापुरुष ने कथा सुनाई भाई राम कुहर साहब ने पहला सानू उन्हां बारे कोई जानकारी दियो किम गुर निकट रहे सुख पाए भाई राम कुहर साहब किवें सतगुरां दे संगी रहे किवें उन्हां ने कलगी धर जी दी सेवा टहल कीती ते गुर बख्श सिंह किस पाए राम कुहर तो भाई गुरबख्श सिंह जी किवें बने फिर नाम बाद विच गुरबख्श सिंह होया ओ राम कुहर तो गुरबख्श सिंह जी किवें होए कहो चरित्र प्रथम इनकेरा आप जी पहला सानू भाई राम कुहर साहब जी दा चरित्र उना दा जीवन वर्णन करके सुनाओ उन उचरो इतिहास बडेरा उना दा इतिहास फिर अगे सतगुरां दा जेड़ा इतिहास है ओ सानू सरवण कराओ कव इन सुन श्रोतन ते बानी मां कवि जी कहंदे जदों कथा सुनन वाले श्रोतिया ने मैनू ए कहा भी भाई राम कुहर जी बारे सानू पहला जानकारी दियो कहंदे श्रोतिया दी ए गल सुन के राम कुहर की कथा बखानी कहंदे फिर मैं ब्रह्म ज्ञानी भाई राम कुहर साहब जी दे बारे संखेप विच जानकारी दित्ती उना दी कुछ कथा जेड़ी मिलदी है ओ कही कुछ चरित्र कहो तिन केरा श्रोता जनो भाई राम कुहर साहब जी दी कुछ कथा दो तीन प्रसंग अगे होणगे कहिंदे कुछ कथा ब्रह्म ज्ञानी भाई राम कुहर साहब जी दी पटत सुनत सुख देत कनेरा मैं कहांगा अगे आउण वाली कथा विच प्रसंगा विच भाई राम कुहर साहब दे कुछ प्रसंग सुनावांगे तुहानू कहिंदे जिस नूं पढ़ के सुन के सुख प्राप्त हुंदा है आत्मक सुख दी खेड प्राप्त हुंदी है ऐसी कथा है भाई राम कुहर साहब जी दी मन वांछित फल प्राप्त होवे ऐसी कथा है जिस नूं सुन के मन वांछित फलां दी प्राप्ति हुंदी है मन चित वे फलां दी प्राप्ति हुंदी है ऐसी कथा है जदों इहनूं कोई सुने संचित पाप सबन को खोवे अर्थात जी तीन प्रकार दे पाप हुंदे इक संचित कर्म हुंदे संचित पाप कहिंदे जदों कोई इस कथा नूं सुनेगा उहदे जिन्ने जमा कीते पाप ने जन्मा जन्मा दे इस कथा नूं सुन के सारे नष्ट हो के सड़ के सुआह हो जाणगे इस कथा नूं सुन के उना दे सारी पाप नष्ट हो जाणगे सड़ के सुआह हो जाणगे बिमल मती होए लए सुख धाम उना दे मत बिमल हो जाएगी मल तो रहत हो जाएगी हिरदा शुद्ध हो जाएगा क्योंकि जिन्हां दे हिरदे शुद्ध ने ना ओही ब्रह्म नूं खोजदे है जाका हिरदा शुद्ध है खोज शब्द मैं ले सतगुरां दी बाणी विच भी उस ब्रह्म नूं ओही लभदे ने जिन्हां दे हिरदे शुद्ध हुंदे हन इस कथा नूं सरवण कीतिआं हिरदा शुद्ध हो जांदा है मत बिमल हो जांदी है और सुख दे घर दी प्राप्ति हुंदी है लिव लागे सिमरन सतनाम और वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर दे सच्चे नाम दे विच लिव लग जांदी है सुरत जुड़ जांदी है समृतमई कथा नूं सुन के दोहरा हस्ता मलक समान उर जिनके दृढ़ ब्रह्म ज्ञान खालसा जी जिवें हाथ दी तली ते दावला रखिया होवे जा बेर रखिया होवे जा फल कोई भी रखिया तली ते सामने दिसदा कोई छुपिया तां नहीं हुंदा ओ अखां दे सामने हुंदा ना जिवें हाथ ते धरिया औला सामने दिसदा है एदां बाबा बुढ़ा साहब ते भाई राम कुहर साहब जैसे महापुरश उन्हां अंदर ब्रह्म ज्ञान इउं प्रगट सी जिवें हाथ दी तली ते औला सामने दिसदा है एदां उन्हां नूं ब्रह्म साक्षात्कार सी ब्रह्म दे स्वरूप नूं तिन्हां ने इस प्रकार नाल जाणिया होया सी ऐसे ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी श्री बुढ़ा साहिब पए नमो बंद कर पान ऐसे ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था नूं प्राप्त होए ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा बुढ़ा साहिब जी उना दे चरणा ते मैं वंदना करदा हां नमस्कार करदा बाबा बुढ़ा साहिब
अगे उन्हां दी उपमा हो रही है बाबा बुढ़ा साहब जी का वंशावली नामा जिहड़ा है वह कुछ कुछ संखेप रूप च वर्णन हो रहा है वह आप जी अगलिया प्रसंगां च सरवण करोगे। 15 अगस्त 1947 नूं जिहड़ी आजादी कहिंदे मिली इस देश नूं उधर 14 अगस्त नूं पाकिस्तान आजाद होया और पंजाब की वंड हुई हिंदुस्तान की वंड नहीं पंजाब वंडिया गया और उस पंजाब की वंड के दौरान तकरीबन 10 लाख तो वध साडे पंजाब के खिते नाल जुड़े लोगों दी मौतां होईयां शहीदियां होईयां उन्हां समूह शहीदां नूं चेते करदे आं। शहीद ही कही जाणगे क्योंकि धर्म के नाँ से जाति के नाँ के उत्ते फिरका प्रस्ती की अग दे विच उन्होंने अपनिया जाना दित्तियां हन और हमलावर चढ़ चढ़ के आए। साढ़े बजुर्ग दसदे होंदे साढ़े बजुर्ग इधरों पाकिस्तान चों आए कि किहो जी त्रासदी का आलम सी कि नदियां तालाब खून नाल भर गए सन पीण नूं पानी नहीं सी मिलदा जिहड़े तालाब सन उन्हां च जहर पा दिता गया भी जाके जदों पानी पीणगे ते पी के ही मर जाण। इहो जिहा वरतारा पंजाब दी धरती ते वरतिया साडा ननकाणा साहब करतारपुर साहब बेअंत धाम साडे तों विछड़े 10 लाख दे नेड़े तेड़े मैंबर शहीदियां प्राप्त कर गए उन्हां समूह शहीदां नूं चेते करदिआं सिंह साहिब जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब उन्होंने ऐलान किया हुक्मनामा जारी किया कि जिथे जिथे भी गुरु की संगतां ने वह रोजाना 10 मिनट उन्हां समूह शहीदां नूं चेते करदिआं गुरमंत्र मूल मंत्र का जाप करन 16 अगस्त नूं सवेरे 10 बजे गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहब विखे और अकाल तख्त साहब से भी उन्हां समूह शहीदां नूं जिहड़े अपनियां जानां गवा गए उन्हां वेलियां च चेते करदिआं अरदास समागम होवेगा। गुरुद्वारा दुख निवारण साहब विखे भी 16 तरीक नूं सवेरे 10 बजे अरदास समागम होवेगा। आप जी ने उन्हां अरदास समागमां विच भी शमूलियत करनी है और 13 अगस्त नूं सवेरे तकरीबन 10 बजे जो बंदी सिंह हैं उन्हां बंदी सिंघां दी आजादी वास्ते समुचे सिंघां वल्लों जिथे जिथे भी सिख बैठे ने वह जिलों के डीसियां नूं मैमोरेंडम जिहड़े ने उह दित्ते जा रहे ने। 13 तरीक नूं मैमोरेंडम देण वास्ते बंदी सिंघां दी आजादी वास्ते मैमोरेंडम देण वास्ते डीसी दे दफ्तर जाणा है तो समूह संगतां नूं बेनती है भी 13 तरीक नूं भी आप जी ने सुबह 10 बजे गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहब हाजरियां भरनियां। आओ ना समूह शहीदां नूं चेते करदिआं सतगुरां दे पावन गुरमंत्र दा जाप जपिए। सतनाम वाहे गुरु 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 सतनाम